मिस सलमा, तेरी जिन्नी भी तारीफ की जाए वो घट है। तेरे कलम की सच्चाई ने सहाफत का सिर होर भी उच्चा कर दिता है। अखबार मुआशरे की बुराइयों उजागर करता है। अगर असं अपने पेशे के ना इंसाफी करांगे तो कौम सबक जहालत मिलती है, जुर्म मिलता है, क्लाशन कोफ मिलती है। मैं अपने कलम की इस तलवार इन तमाम जुर्मों का खात्मा करना चाहनी हूं जिन्हों की हिफाजत रिश्वत कर रही है। मैं तेरे इस जज्बे की कदर करना सलमा, ते सलाम करना तेरी उस सोच नूं जिन्हें एडी छोटी उम्र च एडा वड्डा रस्ता अख्तियार किया। थैंक यू सर। बदमाशों बारे जरा फीचर तुसी लिखिया बाजी, उन पढ़ के मैनू खौफ आ गया, पर तन डर नहीं लग्या। डरन वाली औरतों लोग तमाशा मना देंगे ने समीना। जे मेरा कलम मुजरिमों के खौफ नाल रुक गया तो कतलो गारत बच जाएगी, तो शराफत मर जाएगी। मैं तेरे जज्बे की कदर करनी है बाजी, पर सच बोलने वाले नू हमेशा जुलम दे सुले ते चढ़ना पैंदा है। मैनू अपनी जान की कोई परवाह नहीं समीना। मैं इस कौम चो गद्दार खत्म करना चाहनी हाँ जेड़े कायदे आजम दे इस पाक मुल्क नू अपने नपाक इरादे नाल खत्म करना चाहते हैं। वह गद्दार हर दौर च पैदा होए ने बाजी, ते शिकस्त हमेशा उन्हां दा मुकद्दर बनी है। मेरी दुआ है तू छेती ना वकालत पढ़ के वकील बन जाए, ते उन्हां मुजरिमां नू अदालत तक मैं लै जावां, ते अदालत तो फांसी दे फंदे तक तू लै जावे। बस अज दे अखबार ने जुर्म करने वाले लोगों से क्यामत लैन दी है, ते ऐ क्यामत किसी वेले भी सलमा दे रूप साडे ते डिग सकती है। एक मामूली जी प्रेस रिपोर्टर दा इन्ना खौफ? ओदी रिपोर्ट सानू कानून दे शिकंजे च भी फसा सकती है। गुलाम कानून कमजोर लोकां लई पहाड़, साडे वर्गे मुजरमां लई रेत दी दीवार हुंदा है। रही गल उस प्रेस रिपोर्टर सलमा दी जो ने मेरे खिलाफ फिर लिखिया, कलम फड़न का बल भी बुला देंगा, बुला देंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाय ये तो करंट भी मार दी। मैं क्या तू कुड़ी है कि खतरा 440 का वोल्ट? हालांकि मैं इस जंगल च एक बड़ा जरूरी काम आया था। मैं भी कह दिया था कि इन्ने कटोटे च मैनू खिच किवें पैन दई। मैं क्या तू इन्ने खतरनाक इलाके च कागज चुनन दई है, तेनू डर नहीं लगता? वे मैं आप 302 हां। हाय अम्मी जी मैं पारे मर गया। अखा थ्री नथरी अन्नी सराई वर्गा लख, ऐ घिया तोरी वर्गियां बाहां, आए मैं सारे ही मर जावा। मैं क्या एडी तपदी धुप दे विच तू अपना क्यों रंग काला करन दई है? जे मैं रंग नू वेखा या पेट दी भुख नू? पागल दी है पुत्रे, इन्ने क कागज तेनू किन्ने क पैसे दे देंदे ने? मेरे नाल अंदर चल, मैं तेनू रद्दी दा पूरा ट्राकी चका देना। शक्ल तो त्याग मैनू तू जुत्ती चोर लगना है। मैं जुत्ती चोर नहीं, मैं दिल दा चोर हां। हुस्न दी शहजादी है, तेरे हाथों चो परफैसी की खुशबू आ रही है। दो मिनट मैनू ही दे, आ जा। Thank you.
चुमदा मेरा अंग अंग वे, चुमदा मेरा अंग अंग वे, डोरिया डोरिया हाला है डोरिया। बेहोश करने से तू कामयाबते हो गई है सलमा, पर जेरी तस्वीर तू इस कैमरे च बंद कीती है ओनू छापनी तू कामयाब नहीं हो सकेगी। मैं प्रेस रिपोर्टर ही नहीं, ओ बिजलियां जिदा चटका वज दें तेरा वजूद टुकड़े टुकड़े होके हवा च उड़ जाएगा। अपनी खैर तू मना सलमा, आज तू खुद साडे जाल च फस गई है। बेइज्जती दा ए जाल तोड़न दा वल मैं चंगी तरह जाननी हां। oh.
यू शराब ताड़ी हालत देख के मैंनू शर्म आ रही है कि तुसी एक औरत को लो मार खा के आए हो। औरत नहीं मरते बॉस, जे दौड़ के असी जान ना बचांदे ओ सानू फड़ के अपने नाल ले जांदे ते फिर तस्वीरां दे नाल नाल सबूत दी सूरत च असी आप तस्वीरें तो वड्डा सबूत बन जांदे। जिमी ठीक कहंदा है बॉस, ओ लेडी रिपोर्टर सलमा साडे लई बहुत वड्डा खतरा बनदी जा रही है। ओ खतरा शरीफ वाली बन सकती है, साडे वर्गे खतरनाक मुजरमानी नहीं। बॉस ए काम क्यों ना जहरीले सबूत किया जावे। जहरीला ओ कौन है? लेडी रिपोर्टर सलमा दे इलाके दा नामी ग्रामी बदमाश बहादुर एना ते जिन्ना झूठ बोलिया जाए। वेरी गुड। ठीक है तू कॉल कर, इस कम की कीमत असि मुंह मंगी देंगे। नो जनाब नो, जहरीला इत्थे चल के कदी नहीं आएगा, बल्कि थोनू खुद जाना पौगा, ए उदा उसूल है। जहरीले नु मिलन तो पहले तानू बिजली का झटका खाना पेगा, यानी के मुठी गर्म कड़कड़ करता हजार का नूर साड़ी तली ते रख, क्योंकि मैं गल करना दो टुक जहरीले नु मिलना ही तो साढ़े नाल मुक। असी तेनू मिनटों पहले दसांगे कि साडा यार जहरीला तेनू इसलिए किथे मिल सकता है। गुलाम। यस जनाब यस। तेनू एक हजार रुपया दे के दा मुख लवा। हेलो ऐ गंदा नाला टप्पेगा ते अगों क्वार्टर शुरू हो जांदे, जिथे किसे नू गिद्दड़ कुट पैंदी वेखे समझ लई साडा यार जहरीला खड़ाक कर रहा। जुर्म माफी दे काबिल ही नहीं, तुसी ते ओ जालिमो जेड़े अपनी बदमाशी दी फीस वसूल करन लई किसे नु बेकार करन आयो। और जे सलूक तुहाडे घर वाले नाल कीता जाए, तुहाडे बुढ़े मां प्यो दा समान सड़क ते सुट दिता जाए, ते फिर तुहाडे दिल ते की गुजरेगी दस। जे आज तो बाद तुसी मेरे इलाके च किसे नु तंग कीता ते मैं तुहाडी जिंदगी दा दायरा तंग कर देंगा। दफा जा इत्थों। शराब हेलो मास्टर साहब, आज तो बाद तुसी मकान दा किराया नहीं देना, उन्हें तुहाडी मलकियत है। जीउंदा रहो, मैं तेरा एहसान सारी जिंदगी नहीं भुला सकता। जहरीला मास्टर साहब, जहरीला तो मैं बुरे लोगों लिया, मैं तो थोड़ा तालिब इलम सा, जिदी तालीम स्कूल दे बेंच तो नहीं जुए दी दरी तो शुरू होके जेल दी सलाखा च खत्म हुई है। मैनू तुहाडे कोलों डिग्री मिलन दी बजाय कानून कोलों बस्ता बेदा खिताब मिलिया।
शरीफ लोग मैनू बदमाश कह के गाल करते ने, ते सरमायादार मैनू पहलवान कह के इस्तेमाल कर रहे ने। मेरा नाम सरमायादार है, ते मैं ये भी जानना कि एक सरमायादार नू एक बदमाश नाल की काम हो सकता है। हुक्म कर सेठ, तेरी जायदाद दा झगड़ा या तेरी रकम डूब गई है जिन्हों मैं अपनी दहशत नाल तारना है। नहीं, एक प्रेस रिपोर्टर को चंद तस्वीर हासिल करनिया ने जिन्हों की वजह तो मैनू कारोबारी नुकसान भी हो सकता है। यस जनाब, यस। ए तस्वीर प्रेस रिपोर्टर सलमा दी है, ते ए 20,000 रुपया तेरे कम दी फीस। ए कम अज ही होना चाहिए जहरीला, वरना जिस गल का डर है ओ सब कुछ कल दे अखबार च ना छप जाए। तू सराने थले बाहर रख के सुख नल सौ जा सेठ, कल दा सूरज तेरी मर्जी नल चढ़ेगा। कौन है तू? लोग मैनू जहरीला कहंदे ने। चाना की है? ओ तस्वीरां जड़ियां तू शराब दे अड्डे दियां उतार के आई है। ओ तस्वीरां मैं अखबार ले उतारियां ने, ते मैं इस कम दी तनखा लेनी आं, लिहाजा तैनू ओ तस्वीरां नहीं मिल सकदियां। मैनू हर हालत च तस्वीरां चाहीदियां ने, ते ना दा लफ्ज मेरी किताब च नहीं। तू इनू मेरा हुक्म समझ ले या मेरी जिद। सलमा हुक्म सिर्फ अपना मन दिए, तेरे वर्गे बदमाशा को जे मैं खौफ खान लग पई ते मैं कदों दे नौकरी छड़ दिती हुंदी। नौकरी तक की तू दुनिया भी छड़ जाएंगी। जहरीला जिस काम पिछे पै जावे ओनू पूरा करन ले या मर जांदा है या मार देंदा है। पहले तू मरना है या तेरी भैन ने, फैसला तेरे हाथ च है। सोचण की लग पई है, ओ तस्वीरां तेरी भैन दी जिंदगी तो ज्यादा कीमती नहीं। मैं मर जांदे बाजी, पर इस बदमाश दी का कभी ना मन्नी। मौत दे सामने जिद चंगी नहीं होंदी, ते मेरे हाथ गोली चलाने दे काफी आदि ने। स्टॉप। तैनू तस्वीरां चाहीदियां ने, मिल जांदियां ने। इन हथा च सिर्फ कलम चंगी लगती है, बारूद नहीं। लगता है तेनू अपनी भैन की जिंदगी तो ज्यादा अपनी नौकरी प्यारी है, वरना तू ये चाल कदी ना चलती। ठहर जा, पहले फट तस्वीरां। तस्वीरां नू गौर नाल वेख साहब, ऐ शराब दा अड्डा तेरे इलाके चे, पर तू बेखबर है। इन्हां अड्डियां दा तैनू इसलिए नहीं पता साहब कि तू अपनी कुर्सी तो उठना पसंद ही नहीं करता। हालांकि सरकार तन तनखा इसलिए देंदी है कि तू अपने इलाके नू बुराइए तो पाक रखे। तेरे वजूद ते वर्दी इसलिए सजाई गई है साहब कि तू एदी दहशत नाल मुजरमां नू खौफ ज़दा कर सके, पर तू कुछ नहीं कर रहा साहब, कुछ नहीं कर रहा। ये सारे सवाल करने वाला तू कौन है? तू मेरा दरवाजा खड़का के मैनू बदमाशी तो रोक सकना है, मैनू इलाका पाबंद कर सकना है, ते मैं तेरी इसलाह नहीं कर सकता साहब। मुआशरे का ठुकराया होया इंसान जहरीले का खिताब लैके कानून दियां पालां चपड़ा रिकॉर्ड तो नहीं ठीक करवा सकिया, पर कानून दी इसलाह किवें करन आ गया? इसलाह करन नहीं साहब, कानून दी मदद करन आया वा, इसलिए कि तेरा कानून जुर्म दे सबूत तो बगैर कदम चुकन दा आदि नहीं है। जुर्म दा नक्शा तेरे सामने वे साहब, ते गवाह मैं वा। जे हुण भी तू कोई बहाना कीता ते मैं समझागा कि तू तनखा लैण लई वर्दी पाई है,
बुराई का खात्मा करन ली नहीं। ए वर्दी अज उन्हां मुजरमां लई कफन बन जाएगी। बोल सेठ, जहरीले ने अपने तो उच्ची आवाज कदी नहीं सुनी। शुक्र कर तेरी शराब दी पट्टी ते रेट करवाइए। तेनू कसीट के कानून दे दरवाजे तक नहीं खड़िया, सिर्फ इसलिए कि तेनू इंसान बनन दा मौका दिता है। अपनी आमदनी दा जरिया बदल दे सेठ, हुण तू आराम नहीं खा सकता। इस दुनिया से बड़ा आदमी बनने लई सब कुछ करना पैंदा है। तैनू दौलत की कदर इसलिए नहीं कि तू गुरबत की गोद च अख खोली है ते भुख के पंगूड़े च झूठे लैके जवान होया। अच जिहदे कोल दौलत है दुनिया उहदी गुलाम है। बकवास करना है, तू ते तेरी दौलत मैं नहीं खरीद सकी। जेना नोटा चनी ताकत होनी तो लोग मस्जिद सजदा करने की बजाय इना नोटा के सर चुकाने। मैं गल करना दो टुक ये को बचने ते मेरे नाल मुक। ओ यू शटापा, बकवास बंद कर। चार्ली दे चूड़िया ते नाले फिड़े मुंह ताडे दोहां दी सौ साथ दा। जहरीले दे बारे च सानू कुछ सोचना पौगा बॉस। जी मेम साहब, असी गल करने हैं दो टुक। मेरा ख्याल है तानू किसे मुंडे ने छेड़िया, या खावंद खर्चा नहीं देंदा, या खावंद दूसरी औरत रखण दा इरादा रखदा है। तुसी हुक्म करो। जरीला अपना बच्चा है, बरखुरदार है, जिमें कहो काम हो जाएगा। तो बोली जाएंगे कि कुछ मेरी भी सुनेगा। कम करो, मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ। वो की होंगे? हाय हाय, अखबार वाली। अखबार वाली तो तुसी जहरीले का इंटरव्यू करना चाहते हो? वो उस बेचारे का तो अजे तक शिनाख्ती कार्ड नहीं बन सकिया। अखबार च फोटो कट्टा छपाएगा, क्योंकि फोटो के दुखों ओदा शिनाख्ती कार्ड नहीं बन सकिया। वो जो फोटो नु आंदा है फोटो च साफ आ जाता है। बिजली भगवान हो रही आ गए ने। सलमा तू? हाँ मैं। तू सोचता होवेगा कि एक दुश्मन दूसरे दुश्मन मिलने लिए किवें आ गया। ते फिर सुन, मैं तेरी गलतफहमी दूर करने आई हाँ जिहड़ी तेरे ते मेरे दरमियान पैदा हो गई सी। जे मैं पता होंदा कि तू रेट कराने लई तस्वीर मंग रहा है ते मैं कदी तकरार ना कर दी। पर तेरा अंदाज ही कुछ एहोजिहा सी, मैं समझी कि तू उन्हां दा साथी है। बुराई दे रस्ते ते टुरन वाले मेरे साथी नहीं हो सकते सलमा। हो सकता सी कि मैं नरमी नाल तस्वीरां मंगदा ते तू इनकार कर देंदी, ते ओह इनकार मेरी शिकस्त बन जांदा। नहीं जाहिद, हक सच ते टुरन वाले दी शिकस्त नहीं चित नसीब हुंदी है। मैं तेरे बारे सुना सी कि लोग तेनू बदमाश के नाम तो याद करते ने, पर तू तो शराफत ओ पहाड़े जेड़ा बुराई देरा डक के खलोता है। जी हाँ जी, इसलिए मैं ताड़े कोलों माफी मंगन आई हाँ। माफी तो मैनू मंगनी चाहिए जिन्हें बगैर इजाजत तुहाडे घर दाखिल होके तुहाडी बेगुना भैन नू तंग किया। वो मेरे बारे च की सोचती होगी? वो तुहाडे कारनामे ते बड़ी खुश है। हेलो, उन्हें तेरे ना कार्ड भेजा है, कल फंक्शन है, तुसी जरूर आना।
मैं जरूर जरूर आवांगा। बदमाश ही रहो, रांझे का लड़का ना बन। वैसे जिगर जानी काफी ठीक है। बकवास ना करो। Yeah.
ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਸਮਝ ਕੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੋਮ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਖਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਇਹ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ जिंदगी खुदा दी अमानत हुंदी है जिहदी हिफाजत तो खुद करता है हैदर तू कट ओ मेरी दवाई ए मेरी दुकान तो दवाई लेके नस्या दस किने पैसे ने 240 रुपए आहो अले फट 100 ए 200 ते 50 10 फालतू ने दफा जा तो चल हैदर तू ये सब कुछ किवें हो गया सानू बुराई की राह तो रोकने वाला खुद जुर्म की सड़क से दौड़ रहा है जुर्म नहीं मेरी मजबूरी है ऐ चोरी नहीं मेरे काटी जरूरत है मैं अपने पेट नु भूख की सजा से दे सकना मैं पर अपने मासूम पुत्र नु दवाई न दे के उन्हें बीमारी की कबर में सफर नहीं कर सकता जाहिर अरे मालक मकान का नोटिस इन्हें मकान खाली कराने लिए अदालत चो इंसाफ ले आंदा ते ऐ पर्ची मेरे पप्पू की दवाइयां दी ये दवाइयां मेरे पप्पू ना मिल दिया ते मर जाना सी मेरे पप्पू ने जाहिर मैं डिग्री वखा के नौकरी ते ले सकना वा पर तन कजन नहीं कपड़ा पेट पलना नहीं रोटी ते जिंदा रहने लई दवाई ते नहीं मंग सकता आखिर मैं तंग आके मजबूर ते बेबस हो गया ते पप्पू दिया दवाइयां हासिल कर ली मैं चोर बन गया हाँ मैं चोर बन गया हैदर पप्पू तेरा ही नहीं मेरा भी कुछ लगता है जिते लिए तेनू ना ते चोरी करने की लोड़ है ते ना ही किसी को पीक मंगन दी ओदे हर दुख का इलाज मैं करांगा हैदर मैं करूंगा मैं करूंगा अम्मी अब्बू नहीं आए बेटा ओ तेरे लिए दवाई लैन गए ने ते नाले ढेर सारे खिडौने भी सच अम्मी हाँ मेरा बेटा छेती नाल ठीक हो जा फिर मेरा बेटा पढ़ने लिए स्कूल ले जाएगा अम्मी मेरा नाते कटे गए उस स्कूल साड़ी औकात तो बहुत वड्डा सी पुत्र हुन तू पढ़ने लिए मस्जिद जाएगा जिथे दाखले ले ना ही किसी सिफारिश की लोड़ होती है ते ना ही फीस तो किसी बच्चे का ना कटिया जाता है अम्मी अब्बू आ गए अब्बू ही नहीं तेरा मामू भी आया पप्पू जेड़ा पैन ले सोना जा जोड़ा ते पनेवे ले ढेर सारे खिडौने लेके आया सच मामू ए मेरे ने हाँ बेटा ये सारे खिडौने मेरे पुत्र दे ने पहले पहले दवाई पी ले ते फिर मेरा पुत्र रज के ना खिडौने नाल खेल ले खानम तू पप्पू नू दवाई पिया के ते साड़े लिए चाह बना दे आ यार चल यार वैसे पप्पू बड़ी सोहनिया गल्लां करदा है बेटा नहीं नहीं मेरा पुत्र नहीं नहीं मेरा लाल पप्पू उधर देख मेरा बेटा मेरा पुत्र ये
ने लिया के दिते सन ना जेड़ा इसदा दिल नहीं परचा सके हुन मैनू दस मैनू दस मैं ना खिडौने नू किवें दसां कि तुहाडे नाल खेडां खेडण वाला अपनियां सारियां खेडां मुका के टुर गया टुर गया टुर गया अबू यार तेरा मामा ते पहले ही दुनिया तो कला सी उतो तू भी साथ छड़ दिते एक ही किते बबू डॉक्टर साहब मैं पुत्र के इलाज विच ते कोई कसर नहीं छड़ी ते फिर मैनू पुत्र की मौत की सजा क्यों मिली तुसी बोलते क्यों नहीं डॉक्टर साहब जवाब दियो डॉक्टर साहब तुसी चुप क्यों हो डॉक्टर साहब तुसी बच्चे नू दवाई कड़ी दी थी दवाई ए दवाई थे जैली ना तो सेल हो रही है यदि फैक्ट्री का कोई इल्म नहीं बदमाशी इंतहा हो गई है तो उस सरेआम दहशत फैला के पूरे इलाके को खौफजदा कर रहे हैं मेरे जज्बात नु बदमाशी दा ना ना दे इंस्पेक्टर पहले मैनू पुछते सही कि मैं सब कुछ क्यों कर रहा ते कदे लई कर रहा ए सब कुछ ते मैं तेरे कोलो थाने जाके पूछांगा नहीं इंस्पेक्टर थाने है नहीं ए जालिम जाएगा जेड़ा जाली दवाइयां दा कारोबार करता है ऐसी बचारा मेरा मासूम बच्चा मर गया जिदा नुकसान ना ऐ पूरा कर सकता है ना तेरा कानून थोड़े को इस गल का की सबूत है कि ऐ चाली दवाइया का कारोबार करता है सबूत तो दवाई है जेड़ी ए दी दुकान तो खरीदी गई है ते दूसरा सबूत तो मासूम लाश है जिनू कफन ऐसे नहीं पाया कि इस सालिम नू ओदे नाल दफन करना है ताकि एदा सुन किसे होर दी मौत ना बन सके एने चंद रुपया दी खातर एक मां दी गोद उजाड़ी है एक प्यो नू पे औलाद कीता है ते एक मां मेनू पांजे दे प्यार तो महरूम कीता है हुण इन फांसी दे तख्ते तक पहुंचाना तेरा फर्ज है इंस्पेक्टर हवलदार गिरफ्तार कर लो इनू जनाब मेरी भी तो जरूरत तेरी ते मैं थाने चल के सुनांगा अकेला गए मैं उस मुजरिम ने मिलना चाहनी हां जिन्हें तुसी जेली दवाइयां फरोख करन दे जुर्म च गिरफ्तार किया है हां हां क्यों नहीं प्लीज तुसी तशरीफ रखो हवलदार असलम नू लेके आ अच्छा जनाब बिस सलमा तुसी हमेशा साडे महकमे दे खिलाफ लिखिया मैं दी वजह पूछ सकना मैं हमेशा सच लिखिया ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਜਰਿਮ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮਿਸ ਸਲਮਾ ਮਜਬੂਰੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋੜੀ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਜਰਿਮ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁਜਰਿਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਜਰਿਮ ਵਾਲੀ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ 40 ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦੇਂਗਾ ਆਹੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਤੱਕ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਕੁਝ ਰਾਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੋਲਾਂਗਾ
थैंक यू। श्योर वेलकम। हेलो इंस्पेक्टर अख्तर स्पीकिंग। मिस्टर अख्तर, मैं सेठ आसिफ बोल रहा हूँ। मेरे पत्र को अदालत तक नहीं पहुँचना चाहिए था। ओके सर। मैनू तेरी वफादारी ते शक होने लग पे। जैसे तेरा थाने विच कतल होने लग पे ते आवाम दा इतमाद कानून तो उठ जाएगा। इंसाफ मंगण वाले हाथ बंदूक हाथ विच फड़ के खुद इंसाफ करना शुरू कर देंगे। मैं इस वाक्य तो बहुत शर्मिंदा हां सर। समझ नहीं आती इन्नी जुरत करने वाले मुलजिम कौन ने। थाने दी नफरी मौजूद सी ते फिर कोई बंद हवालात विच मुजरिम ने गोली किवें मार गया। मुजरिम जिस वेले थाने दाखिल होए ते तुहानू इस गल दा इल्म नहीं होया इंस्पेक्टर साहब। मैं अपने कमरे च एक जरूरी फाइल पढ़ रहा सर कि अचानक मेरे कान च गोली चलन की आवाज आई ते जदों मैं नस के बाहर आया मकतूल की लाश हवालात विच पई हुई सी। तेरी जरा जी गफलत नहीं कानून का सिर नीवा कर छड़िया। जे कल तक असल मुजरिम गिरफ्तार ना होए तो मैं तेनू सिर्फ लाइन हाजिर नहीं बल्कि मुअत्तल कर देंगा। इंस्पेक्टर कातल गिरफ्तार नहीं कर सकता इसलिए कि यह कतल उसकी मर्जी ना होया। पर कानून की वर्दी छुपया है कातिल किवें सामने नहीं आ सकता। पर इस कतल की तफ्तीश भी उसके हाथ च है। कानून की फाइल लपेट भरन लई किसी बेगुनाह नूं असलम दा कातिल बना के अदालत में पेश कर देगा। इस बेगुनाह नूं सजा हो गई ते इंसाफ की मौत हो जाएगी। जाहिर इंसाफ नूं बेमौत मारन वाले एहो जे गद्दार हुंदे ने सलमा जिहड़े रिश्वत लैके कानून नूं मुजरमां अगे फरोख्त कर दिंदे ने। एहो जे रिश्वतखोरां दा खात्मा बहुत जरूरी है। जाहिर जिहड़े इंसाफ की कुर्सी ते बैठे हुए मुनसिफां नूं गलत फैसला करने से मजबूर कर देंगे। मजबूरी भी इस गल दी है कि इंस्पेक्टर नु मुजरिम साबित करने लिए साडे कोल कोई सबूत नहीं है। सबूत मैं लबांगी एदे लई पावे मैं अपनी जान क्यों ना दाते लानी पवे। तेरी इस वर्दी ते ला कानून नु नहीं जिन्ना मैनू माण है। तो मेरी बड़ी वड्डी मुश्किल आसान कर दिती है। बोल इस वफादारी दा इनाम तैनु जमीन चाहिए नोटा की शक्ल। इनाम तो इनाम होंगे आसिफ। जे मैं फौरन तेरे को जमीन का प्लाट इनाम ले लिया तो कानून नू मेरे ते शक हो जाएगा। लिहाजा तू चेक कर दे ते मैं इस रकम नू किसे बच्चे के नाते जमा करवा देंगा। दौलत जमा करने लई नहीं खर्च करने लई कमाई जांदी है मिस्टर अख्तर। तुहानू ते पता है साडा खर्चा सिर्फ उस बाजार च हुंदा है जिथे दिन सोंदे ने ते रातां जागदियां ने। Thank you.
कलम चलाना भी जाननी है ते कुंगरू छनकाना भी, अखबार विच कालम लिखना भी जाननी है ते कोठे दे तमाशबीन कट्ठे करना भी, तेरी अक चुरम भी तलाश कर लेंदी है ते तमाशबीना नू मस्त भी। किन्निया खूबियां ने तेरे विच। मैं तेरी तरह बुजदिल नहीं, जुरम मौत दी गोदी च लुकिया होवे ते मैं उन्हें तलाश कर लेनी हूं। तू ते थाने दा इंचार्ज होके भी थाने च कतल करवा देना है। करवा देंदा नहीं, करते नवा। इसलिए कि औरत मेरी कमजोरी है, जिदे लई मैं कानून भी पेश देना। मैं तेरी जुबान चो ए राज जानन लई ए रूप तारिया सी। जेड़ा रूप तू तारिया है ओनू तवायफ की शक्ल मैं देंगा। नाच गाने दे नाल नाल इथे बैठी हर औरत नू बिस्तर की सीनत भी बनना पैंदा है। ए कोठे दा रवाज भी है ते तमाश बीन दी ख्वाहिश भी। तेनू मौत दे बिस्तर ते मैं सवावांगा इंस्पेक्टर। तेरी जबान ने जड़ा इकबाल जुर्म कीता है ओ मैं इस टेप च रिकॉर्ड कर लिया है। हुन तेनू कानून दे कटहरे तो लेके फांसी दे तख्ते तक मैं ले जावांगा ताकि तेरा अंजाम वेख के कोई भी कानून दा मुहाफिज अपनी वर्दी बेचण दी जरूरत नहीं करेगा। मेरा आदमी है, उन्हें मेरे आर्डर से असलम नु गोली मारी है। ओदी जबान अपने जुर्म का इकरार कभी नहीं कर सकती। यस जनाबन यस, नाले इंस्पेक्टर से कानून नु शक भी नहीं हो सकता। कानून नु शक ते नहीं होया पर जरीला ते सलमा इस राज तो वाकिफ हो गए ने कि थाने च कतल होने वाले नु गोली किसे होर ने नहीं मैं मारी सी। ये और राज खुली गए ते फिर तेरा जिंदा रहना साडे लई खतरा है। पर उस रिपोर्टर का की बनेगा बॉस जिदे कोल साडे मुजरम होने का सबूत है? कुछ नहीं होवेगा। हेलो प्रेस रिपोर्टर सलमा। हेलो मिस सलमा, सुनिया तुहानू जाली दवाइया तैयार करने वाली फैक्ट्री के बारे च इलम हो गया जिहदा कैप्शन तुसी सुबह के अखबार ही छाप रहे हो। जी इस खबर तो बाद तुहानू बड़ी शोहरत मिलेगी। जी हाँ, पर तुसी कौन बोल रहे हो? तेरा परिस्तार तेरे लिखे फीचर में बड़े शौक नाल पढ़ना वा मिस सलमान, पर सुबह एक खबर मेरे वालों भी छापी जाए के मशहूर रिपोर्टर सलमा की छोटी बहन समीना की इज्जत नूं चंद आदमियों ने बेआबरू कर दिता है। की बकवास कर रहे हैं तू? उच्ची बोल के अपनी इज्जत खराब ना कर ते मतलब की गल सुन। जे सुबह के अखबार च मेरी फैक्ट्री के बारे च कुछ लिखा गया ते तेरी बहन के नाल ओहो कुछ हो जाएगा जो मैं कह दिता है। यकीन ले तू अपनी बहन की आवाज सुन सकनी है। बाजी, बाजी मन बचा लो बाजी। समीना, समीना तू किस जगह तो बोल रही है? बाजी, बाजी मैं तो मिस सलमा,
میرے آدمی شیر پاؤ پل تھلے تیرا انتظار کر رہے ہوں گے. تو ٹھیک ایک گھنٹے تک کو تھے پہنچ جائیں. ہلو ہلو سلمہ. جی سر. خبر بن گئی؟ جی اے خبر تے نال اس مجرم دیاں تصویراں. شکریہ. اس انسپیکٹر دی لاش نو غار نال ویکھ. ایسا جرم صرف اینا سی کہ تو ایدے ساس نو جان گئی تھے. اے ہو جے قانون شکن نو تے مری جانا چاہی دا سی. جڑا نمک تے ملک دا کھانا سی پر پونک دا تیرے لئی سی. زبان دی کلم دی طرح کافی گستاخ ہے. او ایس لئی کہ سچ ہمیشہ کوڑا ہوندا ہے. کسے ویلے زیادہ سچ زندگی لئی عذاب بن جاندا مس سلمان. مقصد دی گل کر مسٹر. تھانے نے جس سٹور نو لاک کیتا ہے او میرا سی. ایدا مطلب ہے کہ ملک دشمن تو اے؟ ملک دشمن نہیں بزنس مین. کون تے ملک نال غداری کر کے کمائی ہوئی دولت نال تو بزنس مین تے بن گیا ہے. پر کدی ایویں سوچئی جے کسے ویلے تو کسے بیماری چ پھسیا ہوے تے تینوں تیری بنائی ہوئی دوائی دتی جاوے تے تیرا کی حال ہوے؟ میں تینو اپنی اصلاح لی نہیں صرف اس لئی بلایا ہے کہ کل دے اخبار اس سٹور دے متعلق کچھ نہ چھپے. جو کچھ میں دیکھیا وہ ضرور چھپے گا. میں اپنے فرض سے پیشنا غداری نہیں کر سکتی. تیری یہ ضد تیری بہن دی موت بھی بن سکتی ہے. اے موت نہیں شہادت ہے. جے میرے مرن قوم بچ سکتی ہے تے پرواہ نہیں. میں اپنی پین دی لاش تے ماتم تے کر سکنی ہاں پر تینو قانون دی سزا تو بچا کے افسوس نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے پھر تڑیاں دوواں بہناں دیاں لاشاں قانون کول میں آپ بھیجاں گا. اچھائی دی موت برائی دے ہتھوں کدی نہیں ہو سکتی. تینو شرافت دی زندگی بسر کرن دا جڑا سبق میں سکھایا سی توں اودے تے عمل نہیں کیتا. پر جڑا بستا ہون میں تیرے گل چ پاواں گا او دی الف پہ تینو جیل چ یاد کرنی پوے گی. میں جیل چ الف پہ یاد کرنا کہ تم موتی اے بھی سی پڑھنا ہے. اے دا فیصلہ ہو جائے گا.
Hands up, you're under arrest. Inspector Saab, इस कुत्ते ने मेरे यार को मार दिया, मेरे यार को मार दिया, मेरे यार तेरी लेदा पहला ते आखरी बयान लिख ले साहब यदि लाश नू यदि फैक्ट्री दे सामने जरूर लटकाना साहब जिदी दवा पी के कई मजलूम इंसान मौत दी सूली चढ़ गए हैं होश कर मेरे यारा होश कर बिजली जिन्हें छुट्टी हो सके जाहिर अस्पताल पहुंचा देंगे ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਨਸਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਤੇ ਹੈਦਰ ਹੈ ਯਾਰ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ एहसान ते गैरत कीता जांदा है समीना तू ते मेरी छोटी भैन है सलमा ए मेरा जिगरी दोस्त हैदर है ते ए भैन खानम है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ते ए जो भी इनू रिश्ता मैं देंगी जे मेरे प्यारे वीर नु इतराज ना होवी ते मैं इनू भाभी कह दिया जे थोड़ी जबान ने मैनू मेरी जिंदगी का मालिक बनाई दिता है तो मैनू की इतराज हो सकता है लो जी असि तो गल करने दो टुक जे सारे की यो रजामंदी है तो फिर छेती नाल शादी आने खड़काओ क्योंकि असि भी अपने यार दे सिर ते सेहरे ठोकने चाहते हैं लबी सेरे वालिया गुजरा वालिया जड़ा वालिया बूरे वालिया वे खोए वालिया मलाइया वालिया फिरा मैं गली गली वे सोने मेरे जहरी लिया की कर यार तू तो मुकम्मल बाऊ बन गया जिगर जान जी असि गल करने दो टुक तुसी ते शादी करके बीवी दे गुलाम बन गए मैनू उस डेरे ते सूट आया वो कदी उधर भी ध्यान कर लिया करो ओए बकवास ना करया कर हूं उस डेरे का ताला कदी नहीं खुल सकता चाबी इन्हें खूह च सुट है
नहीं यार, बस मैं तेरी परजाई नाल वादा कर लिया कि हुण शराफत की जिंदगी गुजारांगे ताकि कल लोग साड़ी औलाद नू बदमाशी दे ताने ना देन। परजाई होरां दा मशवरा भी ठीक है, पर एक मशवरा मेरा भी याद रखी, अपनी शू करना छड़ी, नहीं तो बेदर्द जमाना तेन अपने पैरां थले रोल के मार देगा। ओए जमाने की लड़ाई तो बड़ी लड़ी है, हुण घर दी जंग दा मजा लेना चाहिए। जंग दा मजा लेना चाहिए, तू घर छंभ जौड़ियां चले लिया। ओए नहीं यार, गल सुन, मेरा तन मशवरा है कि मेहनत मजदूरी कर, मजदूरी च बड़ा नशा ही। हाँ, पिशक दे नशे ले ही जान दे, मैंनु चरस दे नशे ते लाया है, असी ते गल करने दो टुक। या अल्लाह, जिन्हें इस पासे लाया हूं ते चुक। बकवास करता रहिंदा है। ओ हो, सलमा मैं तेनु किन्नी बारी कह के इस हालत च कम ना करया कर। अच्छा जनाब, गलती हो गई, माफी दे दो। माफ कीता साहिब, जे रब ने मैं फी दी थी ना ते मैं रिपोर्टर बनावांगी। जे पुत्र दिता फिर उन जज, ताकि वो इंसाफ की कुर्सी ते बैठ के सही फैसले कर सके। वादा कर जाहिर, तू वही करेगा जो मैं चाहनी हूँ। वादा करना जनाब, वादा करना, बल्कि तुहाडी ख्वाहिश दा एहतराम करदे आया मैं कौन है? ओ भाई की गल है, बड़िया कसम खा रहे हो मियां बीवी। ओए यार गली ऐसी है। खानम, ओ यार अगे होके भरा दा मुंह मिठा करा, आखिर अपने साड़ी सुनी है। ऐसा मतलब है कि नौकरी मिल गई है? हाँ यार, रब ने मेरी डिग्रियां दी लाज रख ली, मैनू पुलिस च नौकरी मिल गई। पर यार अफसोस इस गल दा है कि मैनू ड्यूटी ज्वाइन करन वास्ते अपने शहर तो बाहर जाना पै। ओए चलिया, ऐ ते खुशी दी गल है। ओए शहरों बाहर ते की लोग मजदूरी दी खातिर समंदर पार जांदे ने। पर एक गल याद रखी यार, शरीफ ते मजबूर दा हमेशा साथ देवे ते बुरे नू कदी माफ ना करी। ठीक है जनाब। गुलाम सत सलाम। साढ़े जेल जान तो बा, साढ़ी दहशत कोई फर्क तो नहीं आया? थोड़ी दहशत का रूज उस तरह ही कायम है, पर थोड़ा दुश्मन जरीला बदमाशी छड़ के शराफत दे जाल च फंस चुकिया है। ए अनहोनी किस तरह हुई? प्रेस रिपोर्टर सलमा ने उदे नाल शादी करन दी शर्त ही ये रखी सी। भई ओ बदमाशी दा सबक भुल के सिर्फ उदे प्यार नू याद रखे। उस प्यार दा खात्मा मैं करांगा। उन्हां दोवां दी मौत तो बाद इस शहर दा सब तो वड्डा जहरीला मैं होवांगा। ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ ਆਸਿਫ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਹਿਮਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। अपने वतन की हिफाजत लिए बोलन वाला हर फर्द लीडर हुंदा है, जेड़ा तेरे वर्गे गद्दार दे रस्ते दी दीवार बने। ए दीवार अज डिग पैगी, एदी एक एक इट मेरी दहशत दी गाई बन जाएगी। दस जहरीला किथे वे? जे जहरीला इत्थे हुंदा ते तेरी इस गुस्ताख जुबान दे एने टोटे करदा कि तेरी जुबान जमीन ते डिग के तौबा तौब दा विरत पढ़ना शुरू कर देंदी। तौबा तौब ते तू करेंगी मिस जाहिद, जदों तेरी भैन दी इज्जत नू एहो जिहा दाग लगेगा जिन्नू तू ते जहरीला मिल के भी अपने खून नाल साफ नहीं कर सकोगे। नहीं, अजे ते तू सिर्फ फैसला सुनिया, मंजर वेख के ते पता नहीं तेरा की हाल होवेगा। मैं तेरे नाल पाक इरादे नू कदी पूरा नहीं होण देंगी, कदी पूरा नहीं होण देंगी, नहीं होण देंगी। लगता है ये तमाशा देखने तो पहला ही
तेरी खेड़ मुक जाएगी। इज्जत बच जानी चाहिए। नहीं बच रही, बचे ना बचे, नहीं बच रही, नहीं बच समीना, 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 सलमा, 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 सब कुछ क्यों हो गया? इस कारिस का हम से आने वाला कौन है? मैंने वो दर ना दस, दस सलमा, आसिफ, मैं तनु जिंदा नहीं छटाना, नहीं आए। तू इंतकाम दी रावल टुर पिया कि मेरा मासूम बच्चा इस दुनिया च वारिस हो जाएगा। इस जालम दुनिया के पैरों में डिग्या होया वो पत्थर बन जाएगा जिन्हों हर कोई ठोकर मार के टुर जाता है। दुश्मनी दी है सब तो इनू इना दूर लेके चला जा जाहिर जिते तेन जहरीले दे ना तो कोई ना जानता होवे। मां बन के सीने ना ला ले जाए। मां बन जा, मां बन जा, मां। सलमा, सलमा नहीं जाहिर, जे तू इंतकाम दी रावल टुर पिया कि मेरा मासूम बच्चा इस दुनिया च वारिस हो जाएगा। इसकी मां बन के इनू सीने ना ला ले जाहिर। मां बन जा, मां बन जा, मौत इस चाल गौर नाल देख जहरीले तेरी जिंदगी दी दौड़ हम खत्म हो गई। जिंदगी ते हुण शुरू हुई है दुश्मना। मैं हाली सलमा ते समीना का कत्ल नहीं भुलिया, सिर्फ मजबूर हाँ। मजबूर नहीं मजलूम को, जिदा सब कुछ मेरी दहशत इक्को वार ने खत्म कर दिता है। आसिफ, तू सिर्फ उदो तक जिंदा रहेगा जदों तक मेरा पुत्र टुरन दा बल नहीं सीख लेंदा। ऐ खाब तू अपने सीने च लैके मर जाएगा पहली दे। ना जे तू जिंदा रहेगा ना तेरा पुत्र। Oh!
ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਿਆ ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਗ੍ਰਿੰਗੋ ਜੀ, ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਫੜ ਜੈਮ ਬੌਂਡ। ਵੈਲਕਮ ਮਿਸਟਰ ਅਸਫ, ਵੈਲਕਮ। ਮਿਸਟਰ ਗ੍ਰਿੰਗੋ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਹਾ ਬਣਾ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਟ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਗਰ ਮੱਛ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਲੈ ਚੰਗੀਆਂ। ਆਸਿਫ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਆਸਿਫ? ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ। ਆਸਿਫ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਆਸਿਫ? ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰੂਦ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ। ਬਾਰੂਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਬਲ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਉਹ ਤਿਉੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੌਫ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ। ਡਾਇਮੰਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਹਰ ਡੱਬਾ ਰੁਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੈਠ ਹੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ।
ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪਰ ਮਾਯੂਸੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਐਸਐਚ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੇ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਸ ਦਿਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦੇਵੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸੇਠ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ तेरी बहादुरी देख के मैनू यकीन हो गया है कि एक दिन तू जुर्म की दुनिया का बेदार बादशाह बनेगा जुर्म की है हुकूमत तू 20 साल तो करता आ रहा डैड पर मैं तेनू दुनिया की सारी दौलत चंद दिन च इकट्ठी करके विखा देंगा शाबाश मेरा बेटा शाबाश कल साडा माल आ रहा है ते ओदी वसूली करन तू जाएगा साडे ग्रुप देख रुकन चुले उस मिशन च तेरा साथ देगी गुलाम यस जनाबन यस टाइगर नु चुली दे मथे ला दे बाकी दा कम मैनू आप समझा देगी चलो छोटे माल को चलिए काश तू जिंदा हमदा दुश्मना ते तनु दसदा तेरे पुत्र दे मुंह च जुर्म दा जहर भर के ओनू तेरे नालों वध जहरीला बना दिता है चेयरमैन दी सीट मुबारक होवे मिस्टर एस एच खान साडे इत्थे आण नाल डायमंड ग्रुप एक बारी फिर अपने अरूज ते आ गया है ए अरूज कानून दे जवाल तो बचा रहना चाहिए जान एक आदमी की गिरफ्तारी पूरे ग्रुप ले खतरा बन सकती है लिहाजा तुहानू सोच समझ के कदम चुकना चाहिए छोटी छोटी वारदात करन नाल शौहरत ज्यादा मिलती है ते दौलत घट मैं चाहना वा कि डायमंड ग्रुप इंटरनेशनल लेवल ते कंसीडर होए परे दली सानू की करना चाहिए सर कानून दे सामने अपने आप नू शरीफ ते बेबस शो करो जिथे खतरा महसूस करो वो जगह बदल दियो जिस तरह मैं अपना रूप बदले आज मैं तुहाडा चेयरमैन हाँ पर कानून ते माशरे दी नजर च मैं एक शरीफ बिजनेसमैन एस एच खाना गुड लुकिंग handsome smart very good julie ए बॉस का बेटा टाइगर है टाइगर बॉस का बेटा
एहो जेही होना चाहिदा सी। अख बिजली बदन सुनहरा मेरी साथी भी एहो जी होनी चाहिदी सी। यस जनाबन यस। शुक्र है तुसी भी एक दूजे नूं आप ही पसंद कर लिया। पसंद नहीं कीता बल्कि इनू अपना जीवन साथी बनाने का फैसला भी कर लिया। जे जूली नूं इतराज ना होवे ते जिंदगी का सफर तय करने लई अच्छा हम सफर मिल जाए ते तनहाई का खात्मा कर देना चाहिए। ते फिर मैं भी ये वादा करना जूली साड़ा ये सफर हुण मौत की मंजिल ते ही जाके खत्म होवेगा। कभी गलत नहीं हुई जान आज हीरे अड्डा नंबर 96 ते नहीं बल्कि होटल विक्टोरिया ते आ रहे हैं। ते हीरे लियान वाले का कोड नंबर 305 होगा। मैं तेरी शनाख्त टेलीफोन ते करवा चुका हाँ। तू माल लेके सेठ अरशद के कार पहुंच जा। पेमेंट हो चुकी है। डोंट वरी सर, तुसी समझ लो कि माल सेठ अरशद के कार पहुंच चुका है। गॉड इज ग्रेट और इसलिए कि जान बजाते खुद खतरे दी लाल बत्ती गई। के जगह काफी महफूज है जिथे तू अपनी मंजिल तक आसानी नाल पहुंच सकना। जान तो पहले मैं जरूर पूछांगा कि तुसी मेरी मदद क्यों की थी। जद के मेरे चलन वाली गोली तुहानू भी लग सकती सी। परवाह नहीं, तैनू बचाण दा फैसला दिल ने किया सी ते जड़ा काम दिल नाल किया जाए ओदी मदद खुदा भी करता है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। साहब बाजी तो निकल गई है। माइकल, बाजी हमेशा खिलाड़ी के मोहताज होने की गले जान। आज तेरे चेहरे थे पहली बारी नाकामी नजर आ रही। इस नाकामी से मैं बड़ा शर्मिंदा हूं सर। विक्टोरिया होटल पुलिस की रेट वेख के इस तरह लगता है जिन्हें साढ़े माल के बारे किसी ने मुकबरी की थी। मुखबर मेरे पहुंचने तो पहले ही पार्टी नंबर 1 को लो साढ़े जो वसूल कर चुका सी। ए हीरे ले जान वाला कोई गैर नहीं जान, डायमंड ग्रुप का कोई पुराना दुश्मन है जिन्हों साढ़े एक एक पल दी इतलाह होंदी है। उन सानू होशियार रहना चाहिए। वो दुश्मन किसी वेले साढ़े ग्रुप ले खतरा बन सकता है। पर सर एहो जे खतरनाक दुश्मन फौरन तलाश करना चाहिए जिहड़ा साढ़े लखां रुपए दे हीरे लै गया है। हीरे जिहदे कोल जाने सन चले गए ने जान, ओ खुशनसीब कौन है ओदा पता चल गया ते उन मुबारकबाद बंदूक दी गोली नाल देंगा। दुश्मन नूं जान बन के जिहड़ा सदमा तू पहुंचाया है ओदा जवाब नहीं। जे मैं जान दा रूप ना तारदा डैड ते लखां रुपए दे आए हीरे
साड़ी मलकियत कदी ना बनते। इन्हां हीरियां दी चमक च मैनू तेरा मुस्तकबिल नजर आ रहा टाइगर। एक दिन तेरा ना ताक ते समझना होगा। ना ते बहुत छोटी जी गल है डैड, मैं स्मगलर आते हुकूमत करना चाहना। तू जो कहने कर सकना टाइगर, एस सच का कोई मामूली आदमी नहीं जिदे हीरे लेके तू आए। एस एच खान ऐ किस बलादन आए? शक्ल तो नहीं देखी पर सुने है जुर्म के पिंजरे च नवा पंछी फसया जिदे पर कट्टन लई कानून तेज तलवार बन के मौके की तलाश चे। डायमंड ग्रुप के चेयरमैन की मौत तो बाद इस शहर च काफी अरसे सुकून रहा है, पर कुछ अरसे तो जराइम दिया वारदातां वध गईयां ने। वो सिर्फ इसलिए कि इस ग्रुप का नवा चेयरमैन एस एच खान आ गया है, जिन्हों आज तो पहले इस शहर च कदे नहीं वेख्या गया। कानून आज तक एस एच खान नूं सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकिया कि कानून कोल कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं जिदी वजह तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ऐ उस मुजरिम की फाइल जड़ी मैं तानू हैंड ओवर कर रहा। सर एक केस किसी होर सपोर्ट कर दो। पर क्यों? ऐ कोई मामूली केस नहीं, कानून ली बड़ी वड्डी उलझन है और मैं तुम्हें एक जिम्मेदार ऑफिसर समझ के यह केस ताडे सपुर्द कर रहा। सर हो सकता है मैं इस जिम्मेदारी ना संभाल सका। तू एक ईमानदार और मेहनती ऑफिसर है, पुलिस डिपार्टमेंट नू तेरे ते फखर है। मैं समझ नहीं आती कि तू ओदी गिरफ्तारी का सेरा अपने सिर क्यों नहीं लेना चाहता। सर मैं मजबूर हूं। ऐ मेरा हुक्म है, मैं हुक्म मनन तो इनकार करना। मेरा इस्तीफा कबूल किया जाए। मिस्टर हैदर तू जानना कि तू अपने कैरियर में किड्डा वड्डा जुल्म कर रहे हैं। सिर्फ एक मुजरिम की खातिर तू एडी वड्डी जॉब छड रहे हैं। आखिर क्यों? कानून की वर्दी मुहाफज के जिसम से वह कफन होंदा है, जिन्हों पाके वो मुल्क ते कौम लई शहीद होके आन वाली नस्लों लई फखर का बाइस बनता है। मैं वर्दी अपने मौसम तो कुर्बान कर सकना वा। कानून का मुजरिम मेरा वो मौसम है जिन्हें मेरे ते मेरे खानदान से बेपनाह एहसान किए, जिन्हों हत्थों ने मेरी मदद की थी। मैं उन हत्थों में हथ कड़ी नहीं पा सकता। सर मैं तेरे जज्बे की कदर करना हैदर, तू एहसान फरामोश नहीं, पर यह भी कोई गल नहीं कि तू ओदे एहसान के बदले अपना फर्ज भूल जाए। वो फर्ज जिदी खातिर कानून ने आज तक किसी रिश्ते की परवाह नहीं की थी। तेरा फर्ज कुर्बानी मांगता हैदर, तू अपने जज्बात को इस फर्ज तो कुर्बान कर दे ताकि आने वाले ऑफिसर तेरे इस फैसले तो सबक हासिल कर सकन। ठीक है सर, मैं अपना फर्ज जरूर पूरा करूंगा। हैदर तू ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यार बड़ी खुशी हुई,
पर यार तू ते बुढ़ा हो गया और तू भी ते मेरे वर्ग ही हो गया है। ठीक ते है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। की फेर मांगा बाद पहले आ दस मेरी परजाई की परजाई तेरी परजाई मेरे नाल रुस के चली गई है यार। ओ भाई तेरे नाल रुसी होएगी मेरे नाल नहीं तू मैनू ओदा एड्रेस दे मैं आप ही उन्हें मना के ले आवांगा। ओदा एड्रेस हो कार है जिथे रुसियां नू मनान जाइए तो अपनी जिद नहीं छड़ दे ते ना ही किसे दी फरियाद सुन दे ने ते ना ही अखां च अत्थरू वेख के ओ ड्रैम खांदे ने ओ मिट्टी नल मिट्टी होके कूड़ी नींद सुते रहते ने दुनिया तो बेखबर दुखां तो आजाद। पर मरण वाले दी कोई निशाने? एक बेटा हुण ते ओ जवान हो गया होना। हां पर ओ है किथे वे? ओ दुश्मनी दे मेले गुआच गया ते एक एक करके सारे बिछड़ गए ने यार। पर ये सब कुछ किवें हो गया यार? ये सब कुछ करण वाला ओ दुश्मन है जिन्हें समीना दी इज्जत का जनाजा कढ़िया सलमा दे खून च हथ रंगे ते फिर उन्होंने मैनू दरिया छुड़ दिता ते मेरे पुत्र नु अगवा कर लिया। पर यार जाहिर पुत्र नु तलाश करन दा जिहड़ा रस्ता तू अख्तियार कीता है ओदा अंजाम फांसी दा फंदा है। ए फांसी ओदे तक मेरे गल दा हार नहीं पड़ सकती हैदर। जब तक मैं अपने पुत्र नु मिलके दुश्मन नु ओदे अंजाम तक नहीं पहुंचा देना। ऐ सोच एस एच खान दिए जेड़ा कानून दा मुजरिम ते डायमंड ग्रुप दा चेयरमैन है। मैं चेयरमैन नहीं। मैं पापा पिछड़ी औलाद दा ते दुश्मन उस कातिल दा जिन्ने मेरी जिंदगी नु जुदाई दा कैंसर लाया। पर कानून जे यार बन के आए हैं ते कानून बन के गुफ्तगू ना कर हैदर। जे मैं कानून बन के आंदा ते मेरे हत्थां विच हथकड़ी हुंदी। एस फाइल विच तेरे जुर्म दी फहरिस्त मौजूद है ते सबूत ले कानून ने मेरी ड्यूटी लाई है। आज ते मैं तैनू दोस्त बन के मशवरा देन आया ते कल मैं कानून बन के आवांगा। आन वाला कल साढ़े सारे लिए खतरनाक है। मेरा ख्याल है कुछ दिनों लिए सानू अपने इस काले धंधे को बंद कर देना चाहिए। नहीं लैट नहीं कानून दे डर तो असी अपना कारोबार बंद नहीं कर सकते। पागल ना बन टाइगर। कानून दे मत्थे ते मुजरमा दे खिलाफ जेड़ी त्योड़ी मैं देख के आया वहां ओदे कोलो डर जाए बेहतरी है। पर टाइगर खुद एक डरदा ना डैड। तू नहीं डरे एदे च कोई शक नहीं पर तेरी मामूली जी जिद सारे ग्रुप ले मौत बन सकती है। हां टाइगर जुर्म दी दुनिया दा असूल है जेड़ा चेहरा कानून दी नजर छप जांदा है ओदी तस्वीर मिटा दीती जांदी है। इसलिए कि एक जान दी खातिर लखा जाना कुर्बान करना बहादुरी नहीं बेवकूफी है। टाइगर इस क्लब दा रुख नहीं नहीं साडा खून भी है जिहदे लई असूल भी बदले जा सकते ने। टाइगर ज्योली नूं लै के कुछ दिनों लई कानून दी नजर तो उजल हो जा हालात ठीक होंदे तैनू खबर कर दी जाएगी। हाँ टाइगर जुर्म दी इस पटड़ी ते दौड़न लई पूरी जिंदगी पई है आ कुछ दिन प्यार दी राह वेख लईए। Thank you.
ग्रुप दा सोना एक ट्रक के चलोड़ो के आ रहे ट्रक दा निगरान एस एच खान दा खास आदमी जॉन है ओदी जान कट लिए हो जा इजराइल पे जांगा के सोना ट्रक समेत साडे गोदाम में आ जाएगा बेवकूफ ना हो ते मेरे वर्गे तेरा माल किवें ले जान एक बारी तेरे हीरे खोए सन ते अज तेरा सोने नालों परिया होया एवे ले जावांगा छड़ांगा दी नहीं जा बेवकूफ जान दे हुंदिया सोने दा ट्रक एथों ले जाना एडा आसान ना इंचागार
हैरान होने की जरूरत नहीं बेटा। जिस सोने ते तू कब्जा करना चाहना है ओदे ते मैं सब बन के बैठा हूं। तेरे वर्गे सपां दा जहर कड्डा ते उन्हां नूं पटारी च बंद करन दा वल मैं चंगी तरह जानना वा। तेरा कसूर नहीं, ए खून दी गर्मी है। मेरी जुबान च नरमी सिर्फ इसलिए कि तू एक बारी मैनू कानून की गोली तो बचाया सी। जे मैं तेनू कानून को बचा सकना वा बेटा ते फिर मेरा माल तू किवें ले जा सकना है। ए दावा करन तो पहले सोच ले, ए ट्रक मेरे गोदाम च खड़ा है जिन्हों तू नहीं ले जा सकता। मैनू मजबूर ना कर बेटा कि मैं ट्रक दे नाल तेनू ये बन के ले जावा। ट्रक जरूर जाएगा मिस्टर एस एच खान, पर सोना लेके नहीं, तेरी लाश लेके। मैं जानना वा तुसी इस वक्त कितों तशरीफ लेके आयो। ए मेरा जाती मामला डीएसपी साहब, पहले मन तुसी ये दसो कि मेरे कार च किदी इजाजत ना लायो। कानून नू जिते ते शक होवे ओदे कोलो इजाजत लेके नहीं आंदा। तुहाडे चेहरे ते निशान का दे
लगता किसी मुश्किल चो निकल के आए हो। मैं ते आप बड़ी बड़ी मुश्किल डीएसपी साहब जिन्हों समझने लिए त्वाड़ा कानून भी परेशान है। शायद त्वाड़ा कानून सोच रहा होगा कि मैनू गिरफ्तार करके वो जेल दी सलाह पीछे भेज देगा, पर नहीं, ए ओदा ख्वाब है। कानून सिर्फ बेगुनाहों नू गिरफ्तार करने लिए बने है। जिदे पीछे कोई सिफारिश नहीं होती, गवाहों देने लिए दौलत ते वकीलों नू देने लिए फीस नहीं होती। ऐ तू नहीं, ऐ सच खान, तेरे अंदरों मुजरिम बोल रहा है जेड़ा जुर्म की पटड़ी से दौड़ के महसूस कर रहा है कि मैनू कोई नहीं फड़ सकता। पर नहीं, बिल्कुल नहीं, मुजरम की जिंदगी विच एक वेला इहो जिहा जरूर आंदा है जदों अपने साए तो खौफ खाण लग पैंदा है। जेल दियां सलाखां तेरा इंतजार कर रही ने मिस्टर एस एच खान। उस दिन कदी दी आएगा डीएसपी साहब जद तुहाडा कानून मेरे हाथों छतकड़िया पा के मेरी बेबसी ते हस रहा होगा। दुआ करके मेरा मकसद पूरा हो जाए ते मैं खुद अपने गुनाहों का कफारा अदा कर देगा। हेलो हेलो हेलो, शाहजहां साहब है? रॉन्ग नंबर। मैनू तेरी बेवकूफी ते हासा भी आ रहा है ते तेरी मजबूरी ते तरस भी कि तू खाली पिंजरा लेके तोता लभ रहा। हालांकि तोता उदों तक पिंजरे च नहीं आंदा जदों तक कोई चाल ना चली जाए। तोता तोप चला के तमाशे लई रौनक ते मदारी लई रोजी दा जरिया ते बन जांदा है, पर जदों उहदे पर निकल आण ते फिर उहनूं कोई भी शिकारी दी गोली तों नहीं बचा सकता। इस दुश्मन ने उसे आज तो 20 साल पहले दरिया च धक्का दिता सी, वो बच गया है। अज कल एस एच खान के ना तो डायमंड ग्रुप का चेयरमैन है। ये मतलब है कल का जहरीला अज का एस एच खान बन गया है। हाँ, एस एच खान बन के मैनू तलाश कर रहा है नाले अपने पिछड़े हुए पुत्र जिन्हों असी अगवा किया। टाइगर जहरीले का पुत्र है, हुण मैं पुत्र दे हथों प्यो नूं कतल करवावांगा। दुश्मन कोलों बदला लैण लई बड़ी अच्छी चाल है। जूली ने सब कुछ सुन लिया, बस इस तो पहला के सब कुछ टाइगर नूं दस देवे इहनूं खत्म कर देना चाहिए। तू मौत बन के उहदा पीछा कर इमरान, जे जूली टाइगर तक पहुंचने च कामयाब हो गई। एडी ग्रुप दी रुकन जिन्हों एडी ग्रुप अपनी गोली का निशाना बनाना चाहते ने। पर क्यों,
ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੈਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਮਜਬੂਰੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਹਵਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਟੋਰ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਆਦਮ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਗਾਲ ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਤੇ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਜਰਿਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਦਾਗ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪਹੁੰਚਾਏਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੋਗੇ। ਐ ਮਾਲ ਤੇ ਐ ਬੰਦੇ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਨਿਸਾਬ, ਜਿਹਦੀ ਰਾਤ ਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਆਏ ਪਰ ਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ DSP ਹੈਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਜਰਿਮ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੀ ਮਲਵਟੇ? ਤੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਟਾਈਗਰ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਕਬਰਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਵਫਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਸਮਝ ਲੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਬਾਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਏਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮਾਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਸਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ?
मेरिया रगा च किदा खून है, मैं किदा बेटा वा। हेलो कौन? शायद तुम मेरी आवाज भूल गए मिस्टर जहरीला। तेरी आवाज मैं किवें नहीं पहचानूंगा, तेनू ते मैं 20 साल तो लभ रहा। तेरे को मैं सिर्फ इन्ना सुनना चाहना वा कि मेरा बेटा कित्थे वे जिन्हों तू मेरे को खो के लिया गया सा। मेरे को हिम्मत सी मैं तेरा सब कुछ खो लिया है, जे तेरे को ताकत है तू मेरा सब कुछ खो लिया। तेरे को बेगैरत ध्रुव है जिन्हों मैं तेरे जिस्म को खो लेनी है। कुछ पाने लिए कुछ खोना पैंदा जही लिया, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए कि तेरे पुत्र की जिंदगी मेरे हाथ च है, मेरे तो अलावा यह भी कोई नहीं जानता कि जहरीले का पुत्र कौन है। उस दिलों वाले वार करन दी आदत तेनू शुरू तो है। औरतों वाले मैंने बाजी बंद कर, कम दिखा सुन। जे पुत्र चाहिए डायमंड ग्रुप की जायदाद के कागजात लैके मेरी दसी हुई जगह से पहुंचा, ओदे बदले तेनू तेरा पुत्र वापस कर देंगा। तेरी खामोशी तो इंज लगता है जिवे तेनू पुत्र नालों ज्यादा दौलत प्यारी है। पुत्र की जिंदगी लिए दौलत की मैं जान भी दे सकना वा। शाबाश। अकलमंदी ऐसे दा ना है। ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਬਤਾਲੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਨ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖੂਨ, ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਡੈਟ ਇਹ ਉਹ ਗੱਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ। इनू मौत ते सपुर्द मैं करांगा। नहीं डैड, तुसी सिर्फ एदी मौत दा तमाशा वेखना है। ते मैनू डायमंड ग्रुप दी जासूस ते SH खान दी रिश्तेदार लगदी है। मेरा किसी ग्रुप नाल कोई ताल्लुक नहीं। बकवास करनी है तू, झूठ बोलना औरत दी फितरत च शामिल है। औरत नू झूठ बोलन दा वल तुहाडे वर्गे मर्द सिखांदे ने, ओदे पैरां विच कुंगरू भी आप पांदे ने। आप वफादार ते औरत नू बेहिया बेशरम ते बेवफा कहंदे ने। नहीं टैगर, नहीं इनू मारांगे जरूर, पर अजे नहीं। हाली ते SH खान डायमंड ग्रुप दे कागजात लेके आ रहा है। सच डैड, यकीन करने कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा टाइगर। ते इंतजार की घड़ी गुजारन का एहो तरीका है कि सच बन के उन्नी देर नचती रहेगी जब तक साडा दुश्मन आ नहीं जाता। Thank you.
वेलकम मिस्टर एस एच खान उर्फ जहरीला। आखिर औलाद की कमजोरी ने तैनु मेरे कदम च ले आंदा
तेरा गरूर एक दिन तेरी मौत बनेगा सेफ। जे पुत्र दी मजबूरी ना होंदी ते फिर बेटा मैं तेरी मौत का लड़ा किवें बन के आना सी। दस मेरा पुत्र कित्थे वे? जबान इसने नहीं पैदा कर। इस लई कि तेरे पुत्र दी शनाख्त सिर्फ मैं जानना वा। किसी दी कमजोरी नू ब्लैकमेल करना बहादुरी नहीं। पुछते लिए बहस करेगा ते बेमौत मारा जाएगा। बेहतर सिर्फ ए हुई है जो सवाल पूछा जाए सिर्फ ओदा जवाब दे। दस मेरी जो डिमांड सी ओ पूरी कीती? कुत्ते दे चबड़ली हर किस्म दी हड्डी मैं अपने नाल लेके आया वासे। तू सिर्फ पुत्र दी शक्ल विखा ते सारा माल तेरा हो जावेगा। शक्ल भी विखा देंगा ते मिलाप भी करा देंगा। पहला माल। किन्ना बेवकूफ है तू जिन्हें अपनी मौत खुद अपने हाथ च फड़ ली है। की मतलब? इस ब्रीफकेस इस टाइम बम है ते जिदा कंट्रोल मेरे हाथ च है। जे तेरी जबान ने मेरे पुत्र दा पता ना दसिया ते तेरे जिस्म दी एक एक पोटी मेरे पुत्र दा पता दसेगी। नहीं नहीं नहीं, मेरा दुश्मन है। सब जख्मी भी हो जाए पर अपनी शुभ करनी छड़ता मार दिया इनू। कोई गोली नहीं चलाएगा। इसलिए के एदी मौत सिर्फ मेरे हाथों लिखी है। दुश्मना जिन्हें पुत्र दे हाथों प्यो मरवाना चाहिया। जे राज मैनु चूनी ने दस दी इस मुकद्दस रिश्ते दी शायद अज बेहुरमती हो जाती। मेरे सीने ने लग गया बेटा। पहले इस कुत्ते नु मौत के हवाले कर लवा ते फिर। नहीं बेटा, एदे कना तेरी जुदाई दे एक एक दिन दा बदला मैं लवांगा। ए तेरी मां दा एक कातिल नहीं, ओदी मासूम भैण समीना दी इज्जत लुटेरा भी है। ए एक समीना दा कातिल नहीं, ओह जिया कई तियां पैना ते मामा दा कातिल है जरा जेली दवाइयां तैयार कर दे ते मंशियात बनांदा है ते पैसे लेके इस मुल्क विच तमाके करवांदा है। इस दहशतगर्द नु तरसा तरसा के न मारिया ते मेरा नाम भी जहरीला नहीं। जहरीला नहीं डैडी, जहरीले को जड़े मिलके इस मुल्क दुश्मन नु पाक धरती तो खत्म कर देंगे।
ਆਈ ਸ਼ਾਵੇ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੁਕਣ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਇਮਰਾਨ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਤਾਰ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਅੱਜ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਿਸਟਰ ਐਸ ਐਚ ਖਾਨ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਦੌਲਤ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰਨ ਲਈ Thank you.
खौफ तो किन्ना नशे है, पर फिर भी मौत ने तेनू घेर लिया। एरी जान की हिफाजत करने की जमानत कानून ने दिती है सत्संग, तू इन्हू नहीं मार सकता। कानून शरीफों की हिफाजत करता है, मुजरम की नहीं। ऐ मुजरिम नहीं, मेरा दोस्त है। तेरा एक दोस्त मेरा दुश्मन है, जिन्हू मरण नहीं मैं तेन भी मार देंगा। होश चाहे सत्संग, बेहोश तू है जेड़ा रिश्वत लेके अपनी वर्दी नू गलत इस्तेमाल कर रहा है। पालो जमीर फरोशा, इंसाफ करने वाले कानून नू एक बाजारी खिलौना समझ के क्यों बेच देता है, क्यों बेच देता है? तेरे हर सवाल का जवाब मैं नहीं ऐ गोली देगी। कर्ज न लो, मेरा कर्ज ज्यादा पा रही थी। नहीं डैडी, नहीं, 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 नहीं।